एक अलग ही फील है। और अभी कट हो गए हैं। पासपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं सौरभ ठाकरे और किरण पावस्कर आपका स्वागत करते हैं। तो आज मौसम बहुत ही बढ़िया है, साफ है और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। संडे है और मैं और किरण ने कॉफ़ी पीते पीते एक रैंडम ट्रिप प्लान की है, जो एक पारसनाथ टेम्पल है जो पुणे से 2 घंटे दूर है। सो बहुत ही बढ़िया रैंडम ट्रिप प्लान की है हमने। सो इफ आप पुणे में हो और आपको गढ़ और किले नहीं देखना है और कुछ अलग एक्सपीरियंस करना है, तो पारसनाथ टेम्पल बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये अभी 15-20 दिन के लिए खुला है, उसके बाद बारिश के टाइम वो मंदिर पानी के अंदर चले जाता है। सो स्टे ट्यून विद मी, हम देखते हैं क्या है आगे। श्रोतेहो, हा कार्यक्रम प्रसारित केला आकाशवाणीच्या पुणे केंद्रानं मध्यम लहरी 378.78 अर्थात 792 kHz। दुपारचे 12 वाजतायत। आकाशवाणी महाराष्ट्राच्या मुंबई केंद्राचे कार्यक्रम यानंतर आम्ही सहक्षेपित करत आहोत। सुरुवातीला आपण ऐकणार आहोत वनिता मंडळ हा कार्यक्रम भगिनींसाठी। ट्रैवल एंजॉय करते वक्त पहले धूप थी और एकदम से अभी धीरे धीरे बारिश का मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे बारिश पड़ रही है, सभी थोड़ा धूप छाओ जैसा एटमॉस्फेयर। जो रास्ते से हम जा रहे हैं ये एक नदी की जगह है, यहाँ पे अभी कुछ महीने बाद पानी आने वाला है। सो वहाँ पे देखो दूर वहाँ पे समुद्र है। समुद्र बोल रहा होगा, मंदिर है। सो हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमको डर लग रहा था कि हम गाड़ी कैसे निकालें, क्योंकि पहले हमने गाड़ी अलग अलग छोटे बड़े रास्ते से निकाली थी, कच्चा रास्ता था। सो अब हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ लोग दिख रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये सही जा रहे हैं। ये देखो ये मंदिर है, जो पूरा पात्र है। बारिश नहीं हुई है ज़्यादा, तो इसलिए खाली है, बट बाद में भरेगा। कैसा जाएगा? चप्पल वहाँ पे चली गई है, शाबाश। ये कौन सी चप्पल पहन के, क्या मालूम। वाह वाह वाह, ये मेरे कार में ये किरण, वाह 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 वाह, शाबाश। यहाँ पे शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं मंदिर हमारे ठीक सामने, पर पीछे देखिए हमारी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही आपको। बीच में एक बहुत अड़ियल सा रास्ता था, तो गाड़ी हमने पीछे पार्क की है और अराउंड 3 to 3.5 kilometers का ये रास्ता है, जो एक्चुअल में रिवर है और ये रिवर सूख चुकी है। तो हम ये रिवर का रास्ता लेते हुए मंदिर तक पहुंचेंगे और बहुत खूबसूरत है ये पूरी ज़मीन, क्योंकि यहाँ पर कोई साउंड नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है। जब बारिश फुल फ्लेज रहेगी तो ये मंदिर पूरा कवर हो जाएगा, सो आपको वो चांस नहीं मिलेगा ये मंदिर देखने के लिए। फिर विंटर सीजन या फिर अक्टूबर हीट के वक्त वो चीज़ शायद आपको नसीब आए। राइट नाउ जून एंड में आपको ये एटमॉस्फेयर 10-15 दिन बाद ये चांस आपको नहीं मिल सकता है। तो अगर आपको क्विक ट्रिप प्लान करनी है मुंबई से यहाँ या पुणे से यहाँ, तो दिस इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन।
हेलो गाइज, हम आप यहाँ पे पारसनाथ मंदिर में पहुँचे आफ्टर 3 किलोमीटर्स ऑफ वॉक। और इसकी एक हिस्ट्री मैं क्विकली आपको बताना चाहता हूँ। ये 1000 साल पुराना मंदिर है, चालुक्य एम्पायर, जो आपने सुना होगा नाम, चालुक्य एम्पायर के किंग ने इसको बनाया है और उस ज़माने का मंदिर है। और आज यहाँ पे हम आए हैं शंकर जी के दर्शन करने के लिए है, तो चलो देखते हैं। कैसा लग रहा है किरण पानी पीने के बाद? बहुत सालों पुराना ये मंदिर है और ये हर साल पानी के अंदर जाता है। और यहाँ आने के लिए बहुत से भाविक मेहनत लेके यहाँ आते हैं। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा मेंटेनेंस नहीं है, साफ सुथरा पड़ा। इतनी पुरानी धरोहर है हमारे देश में और आज भी इस जगह का क्लीनलीनेस बिल्कुल मेंटेन नहीं किया है। देखो, हर जगह पे कचरा है, अंदर जो आत्मलिंग था वो भी साफ नहीं है और नदी का जो कोई प्लास्टिक का कचरा है यहाँ पे या यहाँ चीज़ें डाली है बिल्कुल भी। मंदिर बहुत खूबसूरत है पर लेकिन ये सब चीज़ें बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं, जो हम लोग भी कचरा फैलाते हैं। सो इट्स नॉट डन। आर्किटेक्चरल चीज़ें हैं यहाँ पे जो देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं और ये देख के बहुत खुशी होती है, लेकिन ये मेंटेन नहीं है इसलिए बहुत दुख होता है। और ये सिर्फ ये मंदिर की हालत नहीं, भारत के बहुत सारे मंदिरों की हालत है, इसलिए बहुत बुरा लगता है। ठीक है, बाकी तो एक्सपीरियंस अच्छा है। ये कितना पुराना है, आर्किटेक्चर से ही समझ में आता है कितना पुराना है मंदिर। हम अभी निकल रहे थे यहाँ से, मंदिर के दर्शन हो गए और सब चीज़ें देख ली और अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। कुछ चीज़ें आपसे अभी शेयर की थी कि क्या क्या चीज़ें सही होनी चाहिए यहाँ की, क्योंकि इतनी पुरानी धरोहर है। लेकिन जाते जाते ना ये चीज़, मतलब हर जगह पे हम देखते हैं ये कूड़ा। भाई मैं भी प्लास्टिक का वाटर बॉटल यूज़ कर रहा हूँ, मैं मेरे पास रखूँगा ख़त्म होने के बाद। ये क्या है, ये कितना ख़राब कर दिया, कितना प्लास्टिक का कचरा, ये कब ठीक होगा, आई डोंट नो। ये वीडियो के ज़रिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाए जिससे कि उनको भी ये चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो। यही चीज़ अगर भारत के बाहर दूसरे कंट्रीज़ में रहती थी तो आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे कंट्रीज़ बहुत अच्छी है, अपनी बहुत ख़राब है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ के लोग ना छोटी से छोटी चीज़ को बड़ा करके अच्छे से पैकेज करके अच्छे से चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास इतनी पुरानी धरोहर हो के भी हम यहाँ पे कूड़ा करते हैं। मतलब मंदिर देखने के बाद ये समझ में आया कि ये कितना पुराना मंदिर है। छोटे छोटे आर्ट क्राफ्ट से लेके सभी शिलालेख वहाँ पे दिखते हैं। चालुक्य किंगडम में कल्याणी चालुक्य नाम के इस एक राजा ने इस मंदिर को बनाया, जो कि 10th टू 12th सेंचुरी AD में बना है।